डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि राजनीति एक ऐसी वेश्या है जो हमेशा जवान रहती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। क्या आप जानना चाहेंगे पश्चिम बंगाल किसका, पश्चिम बंगाल में कौन सरकार बना रहे हैं? बिल्कुल ताजा ओपिनियन लेकर आया हूं। और भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज क्या कर रहे हैं, कांग्रेसी दिग्गज क्या कर रहे हैं और ममता दीदी क्या कर रही है, सबके बारे में बताऊंगा। और भाजपा के एक ऐसे नेता जो ऐसा बोल निकाल दिए, ऐसा आवाज निकाल दिए कि भले ही देश की जनता ना समझे परंतु आपको समझ में आएगी, तो सबसे पहले मैं आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलता हूं और उसके बाद आसाम। पश्चिम बंगाल में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जगह जगह घूम रहे हैं और ऑफर दिया है कि किसानों को 18,000 रुपए का चेक दूंगा। कहने का तात्पर्य यह कि 6,000 तो वो किसानों को देते ही हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि पिछले 3 साल से पश्चिम बंगाल के किसानों को इसलिए पैसा नहीं मिला, किसान सम्मान निधि, क्योंकि हमने पैसा भेजा और ममता दीदी ने नहीं दिया। वो ये भी कह रहे हैं घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि अब तो दुर्गा पूजा मनेगा ही, 2 मई के बाद भाजपा की सरकार होगी पश्चिम बंगाल में और दुर्गा पूजा के लिए अनुमति लेना नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि राजनीति में धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगा। और रही बात आसाम में, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है मेघा पाटकर जी, उन्होंने अखिल गोगोई के पक्ष में वोट डालने के लिए कहा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि प्रथम चरण का चुनाव कांग्रेस जीत गई, ऐसा उन्होंने दावा किया है। अब रही बात ये कि पश्चिम बंगाल में शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हुए हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सबके सब दिग्गज पहुंचे हुए हैं। मिथुन दादा जो फिल्म एक्टर हैं, ये चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं लेकिन भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि पश्चिम बंगाल में जो ताजा ओपिनियन पोल है, किसकी सरकार बन रही है? और मैं आपको बता दूं, जब पूरा सर्वे किया गया तो 15 दिन पहले ममता दीदी काफी मजबूत थी, परंतु जो ताजा अभी लेटेस्ट अपडेट्स है, लेटेस्ट ओपिनियन है कि 146 से लेकर 136 सीट ममता दीदी के खाते में आ रही है। भाजपा के बारे में जब पता किया तो पता चला 130 से लेकर 140 तक भाजपा को भी आ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि टीएमसी और भाजपा का कांटे का टक्कर है, बाकी सीपीएम और कांग्रेस जो आपस में गठबंधन किया हुआ है 12-14 सीट आएगी, एक दो सीट और भी अन्य पार्टियों को आ सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बंगाल की सत्ता में आने के लिए, बहुमत के लिए 148 सीट चाहिए और भाजपा वो सारे काम कर रही है, धर्म, राजनीति, कर्म, जातिवाद, बहुत सारी बातें वहां पर सारे पत्ते खोल दिया है, कोई भी चीज से चूकना नहीं चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं, आप कहते हैं कि वर्तमान सरकार जो है ईवीएम की सरकार है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह, वो तो राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं, कभी ममता दीदी के पीछे पड़ जाते हैं, कभी राहुल गांधी के पीछे पड़ जाते हैं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज हैं सब के सब पश्चिम बंगाल और असम में उतार दिए गए, असम से भी ज्यादा जोर पश्चिम बंगाल में है। और केरल का इकलौता विधायक भाजपा के हैं राजगोपाल, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि केरल में इसलिए हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं, ज्यादा सीट इसलिए नहीं निकाल रहे हैं कि यहां लोग परसेंटेज लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, यहां पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है,
इसका क्या मतलब? भाजपा क्या बुर्बक बना के जो है वोट लेती है, बेवकूफ बना के वोट लेती है? साफ जाहिर होता है कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में भाजपा टिक नहीं पाती। और ये विश्वास करने लायक है क्योंकि दिल्ली में पिछले 20-25 सालों से भाजपा नहीं आ रही है। दिल्ली देश की राजधानी है, केरल में भाजपा नहीं पहुंच पाती है। तो भाजपा क्या उन राज्यों में ज्यादा ताकतवर है जहां अनपढ़ और शिक्षितों की संख्या ज्यादा है? ये मूल प्रश्न है, इस पे आप जरूर विचार कीजिएगा। पूरे पश्चिम बंगाल की चुनाव को जब हम कवर करने निकल रहे हैं, देख रहे हैं, एक चीज देखने को आया, आपने भी गौर किया होगा। पहले क्या होता था कि जहां जहां ममता दीदी जाती थी और भाजपा के कार्यकर्ता जोर से बोल देते थे जय श्री राम, और ममता दीदी चिढ़ जाती थी, उनको चिढ़ाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता जय श्री राम का नारा लगाते थे। परंतु इस बार कुछ उल्टा हो रहा है, जहां जहां भाजपा का कार्यक्रम होता है वहां पर जोर से कह दिया जाता है खेला होबे, और भाजपा चिढ़ जाती है। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ये खेला होवे क्या चीज है, क्या समझती है। और मैं जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से कहना चाहूंगा, देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, वह जो भाषण में ये कहते हैं पश्चिम बंगाल में बम की फैक्ट्री है, भाजपा वालों के ऊपर बम फेंकने के लिए ये बम बनाते हैं, साहब आप मंत्री हैं, आप गिरफ्तार कीजिए, आपके पास पावर है, आपके पास मिलिट्री है, कुछ कीजिए। अगर इस तरह के आरोप अगर कोई हारा हुआ नेता, विपक्ष का विधायक जो सीट पर ना हो, वो लगाए तो जनता समझ में सकती है। परंतु आप तो केंद्र में रक्षा मंत्री हैं, मिलिट्री आपके हाथ में है। अगर हमारे गृह मंत्री जी जो अमित शाह जी हैं ये कहते हैं कि घुसपैठियों को भगाएंगे, अगर भाजपा सत्ता में नहीं आएगी तो केंद्रीय गृह मंत्री जी घुसपैठियों को नहीं भगा पाएंगे? ये मूल प्रश्न है, इस पर जरूर गौर कीजिएगा। रही बात ये मीडिया के दम पे, प्रचार तंत्र के दम पर और पैसों के दम पर भाजपा ने पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से जकड़ लिया है, और 130 से 140 सीट का जो अनुमान बताया जा रहा है वह चारों तरफ का जो इनका प्रचार तंत्र है, लोगों के बीच इन्होंने अपने कार्यकर्ता छोड़ रखे हैं, और इस तरह से ये दिखता है अब तो ये सत्ता में आ गए, पूरी तरह से ग्रैप कर लिया चारों तरफ से, ऐसा माहौल इन्होंने बना दिया है। और आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हो सकता है आप पश्चिम बंगाल के हैं, ये हर जगह कुछ न कुछ देने की बातें कर रहे हैं। अब मछुआरों का जो टीम इनके सामने आया तो उनसे भी कह दिया कि 6,000 रुपये महीने दूंगा। अब पता नहीं बाद में कह देंगे ये जुमला है, हमने तो 6,000 रुपये साल का कहा था, कहां से ये महीना सुन लिया। इस तरह से चुनाव में वायदे करना, बाद में मुकर जाना। आपने बिहार विधानसभा चुनाव देखा था, उस वक्त इन्होंने 19 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात किए थे, अभी तक नहीं मिला, ना उस पर कोई विचार हो रहा है। क्या पश्चिम बंगाल की जनता को भी ये ठगेंगे, या सत्ता में आ जाएंगे, ममता दीदी हट जाएंगी, बाकी सब मुंह देखते रह जाएंगे और फिर उसके बाद ये कहेंगे यह तो जुमला था? जरा विचार करने वाली बात है। जब हम रिपोर्टिंग में निकलते हैं तो अजीबो गरीब घटनाएं सामने आती है। बिहार विधानसभा चुनाव में तो इन्होंने कहा था 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, परंतु आज की तारीख में कोई भी प्रखंड बिहार का खुला आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि कार्यपालक सहायक सब के सब जो नियोजित थे, जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जो कंप्यूटर चलाते हैं नए नए लड़के, सब के सब हड़ताल पे बैठे हैं। एक ब्लॉक में 2 से 4 इनके पास कर्मचारी है, वह भी वीडियो लगाकर, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, तो कोई काम नहीं होता। रोजगार देने के बजाय रोजगार तो ये छीन लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य के अनुसार क्या देवी और देवता भी बदल जाते हैं, ये मूल प्रश्न है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपका नारा होता है
जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में राम जी को बिठा दिए बगल में कि चल भाई अब अयोध्या तक ही रहना, इससे आगे नहीं बढ़ना है। और पश्चिम बंगाल में आप कह रहे हैं जय दुर्गा माता, जय दुर्गा माता, दुर्गा पूजा में हम अनुमति लेना पड़ता था हमारे हिंदू भाइयों को। तो मतलब पश्चिम बंगाल तक ही दुर्गा माता है, वो यूपी नहीं घुसेंगी, बिहार नहीं घुसेंगी। या राज्य के अनुसार देवी देवता का भी चयन हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में पता नहीं कौन सा देवी देवता होंगे, अथवा उत्तराखंड में। यूपी चुनाव में तो श्री राम जी स्थापित हैं। अब रही बात ये पश्चिम बंगाल का हो गया, पता नहीं केरल में कौन से भगवान हैं हमें नहीं पता, और असम में कौन से भगवान के ये जप कर रहे हैं ये भी नहीं पता। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि जय श्री राम से ज्यादा पश्चिम बंगाल में दुर्गा माँ का जयकारा ज्यादा लग रहा है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि ममता दीदी अपने शासन काल में दुर्गा पूजा के ऊपर अनुमति का प्रावधान किया हुआ था, और 2 मई को जैसे ही कमल खिलेगा बिल्कुल दुर्गा माता को अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं। पिछले 50 या 100 सालों के बाद तो श्री राम जी को अनुमति मिला है सर्वोच्च न्यायालय से और यूपी में। अब यहाँ पे दुर्गा माता का भी कोई इशू ले आए। और रही बात ये, मैंने पहले शुरू में ही कहा था कि धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है, आम जनता को ये भी कह रहे हैं ये आपको भात खिलाएंगे, कहने का मतलब यह है आपको चावल देंगे। ये जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता चावल खाती है, जगह जगह ये लोभ लालच छल बल कल सब कर रहे हैं, और इसलिए तमाम अनुमान के साथ एक आकलन किया गया है कि भाजपा और टीएमसी कांटे के टक्कर में आ गई है। ये कहने का इनका जुमला हो सकता है कि हम 200 सीट पार कर रहे हैं, लेकिन 130 140 तक तो इनकी आने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि इस तरह से इन्होंने घेर लिया है। जब जब हम रिपोर्टिंग पर निकलते हैं, आपके सामने प्रस्तुत होते हैं सारी खबर को लेकर, हमें किसी जाति किसी धर्म किसी आस्था से कोई मतलब नहीं होता। हम आम जनता की आवाज को आपके सामने पेश करते हैं, कहां पे कौन से भगवान की पूजा हो रही है, कहां पे कौन सी देवी देवता की पूजा हो रही है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जब पेट्रोल की कीमत 96 रुपये हो जाए, देश के युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाए और महिलाओं पर अत्याचार हो, तो मीडिया को बोलना पड़ता है। जनाब हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा, आम जनता की गूंगों की आवाज है, हमें बोलना पड़ेगा। जब जाति और धर्म करके सत्ता में जब आप आएंगे तो आपके ऊपर उंगलियां उठानी पड़ेगी। ना हम किसी के दबाव में आने वाले हैं, ना हम किसी के धमकी में आने वाले हैं, हम सच बोलेंगे और केवल सच बोलेंगे। जहां पर जैसा देखते हैं वैसा बोलते हैं, क्योंकि स्वतंत्र मीडिया है, किसी की पाले हुए मीडिया नहीं है। और रही बात ये, इस देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। बहुत हो गया धर्म कर्म जाति और हर तरह के मजहब भाषा इस तरह से बातें करते हैं। अब पश्चिम बंगाल में भाजपा वाले क्या कह रहे हैं कि ममता दीदी उर्दू पढ़ाना चाहती हैं, हम बांग्ला पढ़ाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो जाति हो धर्म हो अथवा भाषा हो क्षेत्र हो, हम रोजगार के लिए दौड़ रहे हैं। आपकी जो जरूरत है, आप जहां से परेशान हैं, उस परेशानी को हम उजागर करते हैं और ये राजनीति करते हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग राजनीति करते हो उनको मैं पसंद नहीं आऊंगा, मैं सबको पसंद नहीं आ सकता, लेकिन आम जनता खुलकर मेरे सामने बोलती है, बताती है कि आखिर में हो क्या रहा है, इस देश के सामने क्या परोसा जा रहा है। पेट्रोल की कीमत पर कोई बात नहीं करेगा, रोजगार के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, और तो और एमटेक किया हुआ व्यक्ति क्लरिकल जॉब के लिए मजबूर है। आपको मैं लेटेस्ट खबर बता रहा हूं, कई एमटेक को सिपाही भर्ती का हमने परीक्षा देते हुए देख लिया, अब तो ये हालात बन चुका है। क्या कर सकते हैं हम, जो है कठपुतली बने हुए हैं, चाहे वो ईवीएम के कठपुतली हो अथवा भ्रष्ट लोकतंत्र के कठपुतली बन चुके हैं। हर जगह से ऐसी ही खबरें आ रही है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, फिर हम आम जनता की आवाज को लेकर फिर अगले वीडियो में प्रस्तुत हो रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।